हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है, इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक, मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन, 5 स्टेप एक्टिविटी बेस्ड मेथड, प्ले वे और एक्टिविटीज के जरिए तालीम दी जाती है, लड़कियों के लिए अलहदा फैसिलिटी, अब हैवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी, लाइफ स्किल्स एजुकेशन के जरिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीचर्स के लिए लेसन प्लान्स लाजमी। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल ऑफिस, सर नमस्कार। सर नमस्कार, हमने आपको कॉल इसलिए किया है, क्या चाहिए? जो राजा सिंह जी ने किया, जो बयानबाजी उन्होंने दी, जो जवाब उन्होंने जिस चीज के लिए दिया है, क्या उन्होंने हमारे लिए किया, आपके लिए किया, क्या किसी और के लिए किया? सर ये चीज तो समझ नहीं पा रहे हैं आप जी। समय के अनुसार कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समय के अनुसार नहीं कीजिएगा तो अच्छा नहीं रहेगा आपको। नहीं सर, हम समय का इंतजार करने के लिए आप नहीं सर क्या भारत नहीं सर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से हमें यह आश्वासन मिलेगा कि भैया के साथ पूरा सपोर्ट है? हाँ है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ है सर। आपको सल्यूट है सर, अगर भारतीय जनता पार्टी को राजा सिंह जी का सपोर्ट है, सर कोई शक नहीं, सर नहीं है ना सर। तो मैं हरीश ओझा मेरा नाम है सर, मैं हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, गोशामल विधानसभा का उनका एक कट्टर समर्थक हूँ। देखिए वो सर मैं आने दीजिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना आप जी, जी सर है, सर है, मैं आप है, सर मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? बब्बन कुमार बोल रहा हूँ जी सर, बब्बन कुमार बोल रहा हूँ, बब्बन कुमार जी। हाँ ठीक है सर, हम समय का इंतजार कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर की भारतीय सुन लीजिए, कोई भी ऐसा चीज होता है, समय अगर लोहा गर्म नहीं होगा, हथौड़ा मारोगे तो आपको हाथ में ही चोट लगेगा। जी 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 सर, लोहा गर्म होने दीजिए, फिर हथौड़ा मारे तो आप सही रास्ता पर चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। और बात आपने बोला उनको जेल भेज दिया जी सर, किस कारण से भेजा है आप भी जानते हैं, पुराना केस है उनका जी। तो वही तो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है सर। हाँ। आज जब समय जिस चीज का है उस समय को छोड़कर इन लोगों ने पुरानी चीजों को पकड़कर ये कार्य किया है। कारण राजनीतिक इसी को कहते हैं ना, जब हमारे समय आएगा तो हम उनको बताएंगे ना क्या होता है सर। हाँ। ना उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जी जी आपके सर। देखिए समय सबसे बलवान होता है, आदमी इंसान कोई बलवान नहीं होता है, कोई सत्ता बलवान नहीं होता, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जी सर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बस यही चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी हजारों फोन आता है जी, तो मुसलमान लोग एक कर रहा है तो उसको एक कर देना चाहिए जी। भाई आपने 70 साल उनको लोग राज चलाया, 70 साल के गड्ढा भरने में तो आपको समय लगेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ दिन और, तब जाके आप आगे निकल सकते हैं जी। जी सर मानते हैं इस चीज को जी सर, आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन आज जो समय हम यहाँ गोशामल की जनता देख रही है ना, तो जानते हैं हमारे पास वहाँ भी कुछ नहीं है जी, तो सत्ता किसी और आदमी के हाथ में है जी। सर सत्ता किसी और के हाथ में है, ठीक है कोई बात नहीं, आज जब सत्ता परिवर्तन हो रही है, राजा सिंह जी ने एक एक एमपी एक एक विधायक को अपना समय देकर अपना खून पसीना देकर उन्होंने जिताया है सर। शब्द में मैं बोला ना है सपोर्ट उनका, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में भी बहुत बड़ा कांड हुआ था जी नकुल शर्मा का जी, भाजपा है उनके सपोर्ट में, उनके भी सपोर्ट में रहेगा। वही चाहते हैं सर कि गोशामल के इस शेर को, भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत को और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की ताकत श्री राज जी, सर मुझे बोलने दीजिए। कुछ होता है ऐसे पर्दे के सामने आके करना पड़ता है, कुछ होता है ऐसा समय आ जाता है पर्दे के पीछे करना पड़ता है जी सर, और देखना ही पड़ता है जी सर। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस से, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी राजा सिंह जी का हाथ ना छोड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।